ठांडा साहब जी कहें कि मैं 20,000 रुपया दे। मैं क्या 20,000 रुपया मेरे को नहीं होना, तो 10,000 रुपया मैं तेन देवगा। तो कहता चल मैं तू 10,000 दे दी, 5,000 की मेरा देन का। मैं क्या 5,000 रुपया तेन देवगा, 5,000 बाद वे देवगा। अब पैसे दिते धार चौंक के रंगे हथों फड़िया है। गलबात यही हुई है कि मान सिंह ने मेरी जनानी मारिया नजायज, वो डंगे लैके खड्ड में जाती पई ही, तो उन्हें नजायज मेरी घर जी मारिया। तो मैं फिर वह मैडिकल करा के थाने के एप्लीकेशन दी है। अपने उच्चा थड़ा डैम तो सानू एस एच अपने ठानेदार साहब जी कहते हैं कि मैं 20,000 रुपया दे, तो मैं इतने परचा करना। अपने राकेश हाँ जी हाँ जी राकेश जी। तो मैं क्या 20,000 रुपया मेरे को नहीं होना, भी 10,000 रुपया मैं तेन देवगा। तो कहता चल मैं तू 10,000 दे दी, 5,000 की मेरा देन का। मैं क्या 5,000 रुपया तेन देवगा, 5,000 बाद वे देवगा। हाँ जी कंप्लेट की? हाँ जी बिजनेस में कंप्लेन की है जी कि मैं इस गल का इंसाफ चाहिए। हाँ जी हाँ जी किया गया कि वो पुलिस वाला पैसे मंगता है। हाँ जी तो इस करके कि आज पैसे दिते हो, आज पैसे दिते हैं धार चौंक के। हाँ जी रंगे हाथों फड़िया है। हाँ जी सर मैं मनोरिटी सैल का वाइस चेयरमैन पठानकोट तो बोलता। गल ये हुई है कि इस जो मान सिंह प्रधान जोड़ा साढ़े इलाके बनते हैं, इन्ह दी कई कंप्लेना साढ़े को पहले भी आईया। ये ज़्यादा करके गुजरां दोषी ठहरांदा है। किस पार्टी तो बिलोंग करता है? ये ज़्यादा करके ना गुजरां टारगेट बहुत काफ़ी तेज़ करता पाया। इन्हू मैं दो तीन बार समझाया भी, दो तीन बार थाने भी साड़ियां गल्लां बातें हुई कि तू साडे पिंड दा सरपंच नहीं, मोहतबार नहीं, तू सानू ना तंग कर। ये बस गुजरां ज़्यादा दोषी कदें ना कोई पंगा गुजरां दे नाल लैंदा रहिंदा। एक्चुअली गल ये हुई है कि झूरू दीन दी पत्नी जिहड़ी है शीमा बीबी, वो डंगर लैके डेली जाती सी। उन्हें इन्हें दो चार बारी बंद किया कि इधरों डंगर लैके ना जा। यह कह लगी कि रोड चो अं डंगर लैके जाना है, असं पहले भी जाने अं खड्ड चगाने, रोड से तो असं चगाने नहीं है। उस दिन इन्हें दिन वीरवार 5 तरीक की गल हैगी है, उस दिन यदि मझा जो घेर लिया, घेर के उन्हें मझा भी सोठे मारे और शीमा बीबी ढा के इन्हें घसीटिया। घसीट के उस तो बाद इन्हें 3 सट्टा वे लाइया। सट्टा लाने तो बावजूद कुदरती मैं भी आ गया उधरों, पर मेरे तो मेरे आने तो पहले सट्टा लग चुकिया सी। झूरूदीन उत्थे पहुंचा सीगा। झूरूदीन कहता कि यार तेरा नुकसान की किया है, तू नुकसान तो दस भाई। वो कहता भी मैं सड़क चो मझा नहीं टप्पण देनिया, चाहे जो मर्जी जे गुजरो मैं तुहाडियां मझा नहीं टप्पण देनिया। चलो मैं इन्हां नूं उत्थे थोड़ा जिहा शांत कराया, मैं कहा लड़ो ना इन्हां नूं, मैं कहा तुसीं जाके यार अपनी मैडिकल कराओ, तो उत्थे जाके थाने अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दो। जदों ये थाने गए, इन्होंने मैडिकल करवा के थाने जाके इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उस तो बाद राकेश ASI जिहड़े हैगे, इन्होंने उन्होंने पैसे लैके उन्होंने स्कीम दसती भी तुसी इदा कम करो, तुसी भी कोई झूठा कोई मैडिकल तो बना लो। 8 सट्टा उसकी घर दी, जब उसकी घर दी उत्ते मौके की है ही नहीं, खुद अही नहीं देखी, किसी शख्स ने आते जाते रोड वाले ने देखी। उस औरत दे 8 सट्टा बना के मैडिकल लग गया थाने। उस तो बाद अं जो थाने गए, थाने साढ़े नाल उहदी गलबात हुई है राकेश SI की कि कोई गल नहीं तुसी खर्चा कर दिओ, तो आपां झूरी दे हक च फैसला करांगे, परचा कर दांगे। फिर वो करदे करांदियां 10,000 जिहड़ी डील पक्की हुई सी। अज धार थाने जिहड़ी है रंगी हथी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जिहड़ा उत्थे मौके ते छापा मारिया, 5,000 रुपया रंगी हथी उहनां कोल फड़िया, वर्दी चो सीगे मौके ते 5,000 रुपया स्पैशल लैण उतार गए सी तो फड़ाए। तो झूरी दीन भी इंसाफ दिता जाए कि वह मान सिंह जिहड़ा वह कहिंदा कि गुजर इत्थों दे खाना बदोश हैगे ने, इन्हां दा इत्थे रद्दा पतल कोई है नहीं है। अगर जे गुजर इत्थों कोई बाहर दी कौम आती है तो डिपार्टमेंट बैठा ना जनाब, डिपार्टमेंट अगर गुजर गलत है तो गुजरां दी भी कार्रवाई करे। इदां नहीं असीं कहिंदे भी ना करन, जे गलत है तो करन, पर पिंड दे विच इहो ही एक बंदा कि जिहड़ा गुजरां दे खिलाफ चलदा, वह की कहानी है, की इहदी रंजस है अंदर खाते च, सानूं इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। तो असीं डिपार्टमेंट दे अगे यही मेहरबानी करदे आं, सरकार अगे भी यही मेहरबानी करदे आं कि इहो जिहे बंदियां दे नत्थ पाई जाए, कि जिहड़े गरीब बंदे इन्हां नूं इंसाफ दवाया जाए, इन्हां ने भी रोजी रोटी इत्थे कमाणी है, इत्थे कित्थे जाणा इन्हां।